Hello everyone! Welcome to our channel. And today we are going to discuss Chapter Four: Dreams. It is a poem written by John Dryden. So today I will discuss this poetry with you. That first of all, Dream. It is written by John Henry Dryden. It is a poem which is the speaker malls over the strangeness of dreams and the speaker of dreams opens with the what could easily be understood as the overreaching theme of the poem and dreams are the result of imagination not reality it is just an imagination not reality okay so let's read the poem to understand what dreams are made of ड्रीम्स आर बट इंटरल्यूट्स ड्रीम्स आर बट इंटरल्यूट फैंसी ड्रीम क्या है पोएम क्या है एक अंतराल ही तो है देखिए बच्चों इनको समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हिंदी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ जिससे कि पोएम समझने में आपको आसानी हो ये जो ड्राइडन ने ये पोइट्री जो लिखी है ये अमूर्त धारणाओं का पता लगाने वाली और उनकी पिछली आध्यात्मिक कविताओं के विपरीत ये कविता क्या है सपनों को तर्कहीनता पर व्यंग करता है सपनों को वो हकीकत का दर्जा नहीं देते हैं वो एक तर्कपूर्ण संगत के साथ इसको देखते हैं और उनको समझाने के लिए कि ड्राइडन सपनों की तुलना किससे करते हैं फैंसी के साथ करते हैं कल्पना के साथ करते हैं इमेजिनेशन के साथ करते हैं जो तब हावी हो जाता है जब सम्राट जो है वो क्या करता है तर्क के साथ सो जाता है और जो कल्पनाएं होती है वो दूसरे पर हावी हो जाती हैं। सपनों को भूली हुई यादों या बचपन की मान्यताओं और वास्तविकता का मजाक के मिश्रण के रूप में दिखाया गया है ठीक है तो यहाँ पर उनके भ्रामक और निर्थक स्वभाव पर जोर दे रहे हैं कि सपना क्या है ड्रीम्स क्या है जस्ट लाइक एन इमेजिनेशन बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं ठीक है सुना ड्रीम्स आर बट इंटरल्यूड्स विच फैंसी मेक्स सपने केवल एक विराम है एक इंटर inter इंटरल्यूड है एक अंतराल है और कुछ भी नहीं ये सिर्फ कल्पनाएं बनाती है कल्पना फैंसी बनाती है कल्पना बनाती है इससे ज्यादा कुछ नहीं वेन मोनार्क रीजन स्लिप्स द मिमिक वेक्स कि जब मोनार्क राजा जब सो जाता है तर्कपूर्ण संगत के साथ जब सो जाता है तो उनकी जो मिमिक है कॉपी है उनकी जो नकल है वो जागती है कंपाउंड मेडली ऑफ डिसजॉइंटेड थिंग्स डिसजॉइंटेड मीन्स अनकनेक्टेड तो बेमेल चीजों को मिश्रित करती है बेमेल है ये उनको वो मिश्रण बनाने का काम करती है कंपाउंड करती है जोड़ने का काम करती है चीजों को मिक्स बनाने का काम करती है मीन्स कि जो चीजें तालमेल नहीं खाती है उन सब चीजों को वो क्या करती है मिक्स करने की कोशिश करती है अ mob of cobbler एंड अ court of kings मोब क्या होता है भीड़ होती है cobblers की भीड़ मोचियों का भीड़ या राजा का दरबार lights fume are merry एंड groser fumes are shed हल्का जो धुआं होता है फ्यूम मींस क्या धुआं जो लाइट फ्यूम्स होती है हल्की कम कम जो धुएं होती है वो कैसी होती है वो मैरी होती है अच्छी लगती है लेकिन जो ग्रोसर फ्यूम्स आर शेड जो बहुत ज्यादा भारी धुआं जिसको कह सकते हैं वो कैसा है अकॉर्डिंग टू वो शेड शेड है बोथ आर द रीजनेबल शॉल रन मैड और दोनों क्या हो जाती हैं दोनों ही तर्क संकत आत्मा के साथ पागल हो जाने का एक परिणाम है एक रिजल्ट है दोनों क्या हैं तर्क संगत आत्मा के साथ पागल हो जाने का परिणाम है एंड मैनी मॉन्स्टर्स फॉर्म इन स्लीप बी सी जब हम सोते हैं हम नींद में हैं कई भयानक रूप देखते हैं कई मॉन्स्टर चेहरे देखते हैं नींद में सपने में क्या क्या देख लेते हैं दैट नेदर वोर आर नोर एयर कैन बी न जो ना तो कभी थे और ना ही कभी हो सकते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को हम देख लेते हैं जो ना कभी थी और न कभी हो सकती है समटाइम्स फॉर थिंग्स लॉन्ग कास्ट बिहाइंड कभी कभी भूली हुई चीज़ें जो लंबे समय से पीछे छोड़ दी गई है भूली हुई चीजें जो लंबे समय से पीछे छोड़ दी गई हैं रश फॉरवर्ड इन दी ब्रेन एंड कम टू माइंड मस्तिष्क के आगे आ जाती है है ना रश फॉरवर्ड मीन्स आगे आ जाती है कहाँ ब्रेन के आगे आ जाती है माइंड के और माइंड में आ जाती है याद आ जाती है चीज़ें जो चीजें हम भूल गए थे पिछले लंबे समय से वो हमें अचानक याद आ जाती है नर्सिस आर फोर ट्रूथ रिसिप्ट जो दाई होती है नर्सेस क्या है दाई माँ जो दाई की कहानियों को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाता है है ना नर्सेस लिजेंट की कहानियों को ट्रूथ के रूप में रिशीव किया जाता है स्वीकार किया जाता है एंड द मैन ड्रीम्स बट वट द बॉय बिलीव्ड और वो आदमी वो वही आदमी जो सपना देखता है जो लड़के ने विश्वास किया था ठीक है द मैन ड्रीम्स वो आदमी जो सपना देखता है बट द बॉय बिलीव्ड जो लड़के ने बिलीव किया था जिस चीज पर विश्वास किया था वो उस सपने में देखता है समटाइम्स बट रिहर्स अ फॉर्मर प्ले समाइम्स we बट रिहर्स अ फॉर्मर प्ले कभी कभी हम केवल पूर्व नाटक का पूर्वाभ्यास करते हैं रिहर्सल करते हैं पूर्व नाटक का क्या करते हैं एक प्ले का पूर्व प्ले का क्या करते हैं रिहर्सल करते हैं द नाइट री एस्टोर आवर एक्शंस डन बाई डे जो दिन भर में हम किए गए कामों को वो क्या करती है रात में रिस्टोर कर देती है और रिस्टोर करके बहाल कर देती है इट मींस के सपने में ला देती है एज हॉन्स इन ओपन फॉर देयर प्रे प्रे मींस क्या होता है शिकारी जैसे कि शिकार के लिए कुत्ते नींद में खोल जाते हैं हॉउ्स मींस यहाँ पर डॉग्स को रिप्रेजेंट किया गया है ठीक है तो कुत्ते जैसे कि शिकार के लिए नींद में खोल दिए जाते हैं इन शॉर्ट संक्षेप में मैं कहूँ तो द फार्स ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ पीस द फार्स ऑफ ड्रीम ऑफ अ पीस सपनों की तमाशा एक ही टुकड़े का हिस्सा है ये जो भी है ये फार्स क्या होता है फार्स एक लिटरेरी लिट्रे, टर्म है बेटा ये इसका मतलब होता है आ, पूरे ड्रीम का हिस्सा तो जो भी इसके पीस हैं सपनों की जो तमाशा एक ही टुकड़े का हिस्सा होता है वो जो हम ड्रीम हम देख रहे हैं वो दिन भर में जो हम किए हुए रहते हैं, उन सबका ही एक टुकड़ा होता है जैसे कि ऑल एंड द मोर ऑफ शर्ट और लेस कैमरास कैमरास ऑल एंड मोर ऑफ शर्ट ऑफ सो सभी झूठे कल्पना और अधिक बेतुका या कम इसका मतलब क्या होता है कि मैथोलॉजिकल क्रिएचर ये एक मैथोलॉजिकल टर्म है विद लायंस हेड एंड गॉड्स बॉडी एंड स्नैक्स टेल तो इसका मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपने जो हैं वो एब, एकदम एब्ज हैं इन सबसे ज़्यादा ये कुछ नहीं है एकदम बेतुखा है इसका कोई मतलब नहीं बनता है सपने का कोई रियलिटी नहीं होता है इसका कोई मतलब नहीं बनता है सपने एकदम बस सपने ही होते हैं वो सिर्फ एक कल्पना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी ओके नाउ वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग